गाइज हम लोग घर आ गए थे, चाय पानी पिया और फिर मुझे दो तीन दिन से क्या वो टाइम हो गया, मुझे एक सूट रिसीव हो रखा था तो उसका मुझे प्रमोशन करना था, तो उसके लिए मुझे ये ओढ़ना पड़ा और मैंने ऊपर कुर्ती कांचली पहना और नीचे मैंने बस अपना पजामा ही पहना, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी तो पूरा चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वीडियो में वैसे भी इतना ही दिखता है। तो ये वाला सूट तो ना हमें वहाँ पे चीफ गेस्ट बन के गए तो वहाँ पे हमें गिफ्ट में मिला था, और एक सूट था जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था, उसका प्रमोशन करना था और स्टोरी में मैंने लगा दी इंस्टा पे। पोटी आ गई, ये लो आपको पोटी आ गई। चलो चलो बाबू भाई साहब कैमरा बंद कर दो, कैमरे में क्या हुआ दुर्गा बंद कर दो। हमारा गनीसा वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी पता है नाइट जब होने वाली है, जस्ट ये मान लो हो ही गई है, तो अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ब्लॉग क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज ना मतलब आपको पता ही कि अपने गांव में ना बहुत कम काम करते हैं, ससुराल में ही करते हैं, ऑब्वियसली ससुराल में तो करते ही हैं, हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता, बट पीहर में ना मेरे को नहीं लगता कि कोई भी बाईसा अलग काम करते होंगे, करते भी होंगे तो फिर मतलब पूरा नहीं करते, कुछ ना कुछ पूरा दिन में कुछ ना कुछ एक आधा करते हैं। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि कैसे क्या करती हूँ। अभी मेरी कुक करके ना सीटियाँ लग गई, तो मैं एक बार उसको बंद कर दूँ। आलू के पराठे बनने के लिए तैयार है, आलू उबल चुके हैं, अब मैं फटाफट से आटा लगाऊंगी उसके बाद बनाऊंगी। और ना आज मैंने सोचा है कि मैं ना चूल्हे पे पराठे बनाऊं आलू के, तो देखते हैं कैसे क्या रहता है। और ये सूट भी मैंने पहना हुआ, इतनी भयंकर गर्मी लग रही है, पर मैं सोची हूँ कि मैं एक आधी रील बना लूँ चूल्हे पे बनाते हुए, उसके बाद मैं बीच में चेंज कर दूंगी, है ना। तो चलो तैयार करते हैं, आटा उटा लगाते हैं और आलू वगैरह मसाला सब तैयार करते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। और आप लोग हमारा चूल्हा भी देख सकते हो, इसको देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे गाँव में भी मतलब माला मम्मी भी चूल्हा पर रोटियां बन बनावे, हमेशा गैस पर ही बनावे, लेकिन आज मैं ये सोची आलू का पराठा पे भी चूल्हा का मतलब टेस्ट का तो कत्ता ज्यादा अच्छा लाग सी, और यान को मोको बार बार को नहीं आवे चूल्हा चूल्हा जड़ा वो भी एक बो हूं मतलब वो भी एक हुनर ही हुआ चूल्हा जड़ा वो माला मम्मी सटके नहीं जड़ा दे और माला को गुन जाए। ये फाइनली चूल्हा जल गया, अभी मतलब थोड़ा सा बाकी है लेकिन जल जाएगा, पता चल गया कि जल जाएगा। सो गाइस आलू मैंने छील लिए है, ठंडी नहीं हो रही कब से ना, आपको ना एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आलू के पराठे बनते नहीं है, मसाला बाहर निकलता है, तो उसका रीजन ये होता है कि अपने ना वो गर्म आलू रहते हैं ना उन्हीं को छील के और मेस कर लेते हैं, उस वजह से वो मसाला गीला गीला हो जाता है। तो आप कोशिश करो कि ठंडे हो जाए उसके बाद में छील के और फिर मसाला बनाओ, और आटा भी गीला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब टाइट रखो। और अभी मैं ना थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाए उसके लिए मैं थोड़ी सी ये ना हरी मिर्च डाल दूंगी। आंखों में जा रही मेरे और रील्स के चक्कर में मैंने चश्मा उतार दिया, ये तो लगा लेती हूँ पहले। अब अपन फटाफट से पराठे बना लेते हैं क्योंकि ब्लॉग तो ना चलता रहेगा अपना आगे कुछ सेटर। सो गाइस मैंने तो कर लिए कपड़े चेंज, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग गई थी और आंखों में पानी। हाँ यही हूँ मैं, मामू तो आपको उल्लू बनाता है, हम उल्लू बनाते हैं आपको, मैं यही फोन रख दो, दो चार दिन और गांव में जितना दिन मजा मार लिया फिर तो ससुराल में तो कोई सूट घूंघट रहे ना मम्मी, दो चार दिन और मजा कर लिया फिर तो कितनी गर्मी पड़ो बटे तो भाई बनानी बनानी है। तो अब हाँ डांस कर रहे तो मम्मी बना रहे कत्ता करेगी मम्मी। और देखो आप लोग कमेंट मत कर जो कि चुल्लो यान को अभियान को, क्योंकि मैंने बड़ा माई को नहीं कदी चूल्हा पर, तो माँ का चूल्हा की व्यवस्था ही कौन करेगी। बस एक मम्मी है मेल मिले जो बन गया आलू का पराठा दिख बम तो मस्त लाग रहा है, दरवा खा ले क्या अपन। गाइस ये रहा हमारा आलू का पराठा, थोड़ा सा अचार लिया इसमें छाछ राबड़ी है, कैसा है हैं क्या बात, लो छाछ पी लो, छाछ पी लो। मैं खुद करती हूँ, अच्छा है मस्त। अब खा लिया दबा दब भूख लाग। खमा गनीसा कैसे आप सब, होपली आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे फिट होंगे, और मैं भी बिल्कुल फिट हूँ।
सो ये ना 3 दिन का व्लॉग होगा जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब हम लोग कुचामन जाके आई थी, उसकी कुछ क्लिप्स रह गई थी घर आने के बाद में, और कुछ कल की है नाइट की, और कुछ आज की शाम की। अभी शाम हो रही, शाम को स्टार्ट हो। मैंने सोचा कि चलो 3 दिन का करके कंटिन्यू फिर एक कर लेते हैं और फिर आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है, सब लोग क्या कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे भाई साहब दूंगा, दोनों क्या करो कर रहे अपना गधा मस्ती। और मुझे एक वीडियो शूट करना है तो उसके लिए मम्मी कर रहे हैं सफाई, क्योंकि मम्मी बोल रहे हैं थोड़ा सा सफाई कर देती हूँ फिर बना लेना। तो वीडियो किस चीज का बनाना है मैं आपको बता देती हूँ। मुझे ना मतलब जो भी सीख मिली है मम्मी की तरफ से उस वो सारा सामान मैं यहाँ रख लूंगी, फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसका व्लॉग आपको अलग देखने को मिलेगा, इसमें ऐड नहीं करूंगी। तो अभी मम्मी इस रूम की झाड़ू निकाल रहे हैं, उसके बाद में अपन अपना सामान निकालेंगे, यहाँ पर रखेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। अरे आ गया बदमाश, बदमाश आ गया, बदमाश बदमाश। और एक चीज और, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना आपके भाई साहब के बाल बड़े हैं, कटवाते नहीं है, तो इस चीज में मम्मी क्या बोलते हैं, चलो मम्मी से पूछते हैं अपन। मम्मी कहीं के पूछो, बहुत सारे लोग ये कह ना कि कमेंट करा है कि ना आपके भाई साहब के बाल लंबे हैं, कणा के दुर्गा के बाबा के बाल लंबे है, कटवाते क्यों नहीं है। तो ये क्या हो गया, अरे यही है मामू, तो कुछ भी करना चाहिए, लोगों का तो काम यही है टांग खींचने का, खींचते रहो जो जिसको बोलना बोलते रहो, हमारे को कोई फर्क पड़ता नहीं। सही है, पढ़ना भी नहीं चाहिए किसी के बोलने से, फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। हमारा बच्चा है करता है इसे। और वैसे भी बाल बढ़ाने में कुछ गलत नहीं है। और देखो रिप्लाई तो आपको मम्मी से मिल ही गया है, बाकी मैं भी आपको बता दूं कि अभी 2 सावन थे, आप सबको पता ही है इस बार 2 सावन थे। तो हमारे क्या है ना कि सावन में हेयर कट नहीं करवाते, और हैं तो सावन में नहीं कटवाते, आप लोगों के कटवाते होंगे भी, ये नहीं कह रही कि सभी नहीं कटवाते, बट हमारे यहाँ नहीं कटवाते। इसी वजह से दुर्गा के बाबा के मतलब दो इस बार 2 सावन थे 2 महीने, तो नहीं कटवाते जो मानते हैं सावन को स्पेशल। हाँ, जो जो शिव भगवान की पूजा वूजा करते हैं, पूजा तो देखो दुर्गा के पापा नहीं करते, लेकिन वो इस चीज को मानते कि वो हेयर कट नहीं करवाते। मैं शादियों पहले भी एक बार भी तो करे सोमवार सोमवार की पूजा भी करे भाई साहब ने। हाँ, हाँ। भाई साहब तो पूजा भी करे, कई दिनों से सोमवार भी कर रहे है और सोमवार को जल भी चढ़ा के आते है। मम्मी की टिक्की तो गाय पसीना। तो होप आपको जॉब मिल गया होगा, सावन में नहीं कटवाते हैं। इस बार 2 सावन थे 2 महीने हो गए, इस वजह से बाल बड़े हो गए। भाई साहब ने अपना सेविंग करवा लिया, हेयर कट करवा लेंगे, सावन भी है। और दूसरा देखो सबका अपना अपना शौक होता है, तो अब मुझे क्या पसंद है ये चीज मैं आप लोगों को भी थोप नहीं सकती। तो आप लोगों को क्या पसंद है ये आप भी किसी भी थोप नहीं सकते, सबका अपना अपना चॉइस होता है। खैर बाल दाढ़ी ये चीजों से चलती रहेगी है ना इस पे, बट बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको जवाब दे दूं। और अभी बस मम्मी फटाफट से रूम क्लीन कर ले, उसके बाद में अपन अपना सारा सामान यहाँ जचाएंगे। और बताती हूँ आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है ससुराल से जाने में, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। मेरा तो ना मतलब मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाती है, मतलब क्योंकि इतना सामान हो जाता है मेरा, इतना सामान हो जाता है कि मुझे समझ ही नहीं आता मैं किधर रखूं क्या रखूं। अभी तो निकलता जा रहा है अंदर से, मम्मी निकालते जा रहे हैं क्योंकि मम्मी को पता है ना ये छोड़ जाएगी यहाँ पे, इसलिए फिर भी मेरा कुछ ना कुछ छूटता ही है। देखो अच्छा ये ओढ़नी भी निकली है, इसका सूट तो मैंने डाल लिया था, ओढ़नी मम्मी ने अभी यहाँ पे रखी हुई है। अच्छा मम्मी ने कपड़े निकाले अलमारी में से। हाँ एक है मेरे, ये मम्मी ने जो पुराने कपड़े थे सारे धो धुआ के तैयार कर दिए हैं, बैग में मैंने रख लिए हैं। और अब आप लोगों को दिखाने के लिए सारा बिखेरूंगी वापस, ये सारे कपड़े यहाँ पे वही है जो ले जाने हैं मुझे, ये वाला मैं पहन के जाऊंगी। तो ये मैंने बाहर ही रखा हुआ है, इसको मैंने पैक नहीं किया है। और बाकी 2 बैग मेरे यहाँ पे हैं, मतलब हाँ ये जो पुराने कपड़े थे ना उनको मम्मी ने वॉश करके सेट कर दिया, तो ये मैं यहीं छोड़ के जा रही हूँ, मैं नहीं लेके जा रही। बाकी मैं क्या क्या सीख में लेके जाऊंगी वो मैं आपको अलग एक वीडियो बना के डाल रही हूँ, आप लोग देख लेना। तो गाइज मैं वीडियो शूट करने के लिए रेडी हो गई हूँ, बट ना अभी बीच में एक मिस्टेक हो गई है। देखो मिस्टेक ये हो गई कि अभी बहुत सामान हमारा जो पेंडिंग है, इस मतलब जो भी मैं आपको
हालांकि वो वीडियो आपको अलग देखने को मिलेगा, बट वो जो वीडियो शूट करने में एक दिक्कत हो गई है, मुझे कुछ बाहर जाना पड़ेगा, तो अभी अपन चलते हैं बाहर और आऊं मैं, तो अभी अपन बाहर चलते हैं, कुछ सामान है जो कि नया करवाना है। वैसे नया ही लिया हुआ है, अभी लिया था दुर्गा के बर्थडे पे लिया था, तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो रहा है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं अभी सुनार की दुकान पे। चलो भाई तैयार हो जाओ, तो अच्छा तैयार हो जाओ, मुंडा तो बड़ा बना गया, अभी अपन चल रहे हैं सुनार की दुकान पे, है ना। ये नंदी सो गाइस, मैंने आपको जब ना हमारा विलेज टूर कराया था ना, तो आपको विलेज वाले फीलिंग नहीं आई होगी उसमें, क्योंकि उसमें ना गायें हैं ना भैंस है ना बकरी, पर हमारे गांव में है। वैसे वो क्या, हम लोग दोपहर में शूट किया था, शायद 11 बज गए थे, इसलिए आपको कुछ नहीं दिखा। देखो शाम का माहौल देखो कितना अच्छा होता है, देखो तोते की आवाज़, चिड़िया की तोते की आवाज़ आती है। चलो क्या ले लिया आपने, चिप्स ले लिया, किसने दिलाया, मामू ने दिलाया, चलो। सो गाइस हम लोग सुनार के जाके आगे, मम्मी बोलते हैं क्यों काल देशु पाची, क्यों ये तो हुआ भी को नहीं सही है, थोड़ी बहुत होती तो काल दो, काल दो खाना खाने दे, जरा आप बाकी को वीडियो तो बना लो, आज काल दो खाना लाया, थोड़ा सा बनाना, मम्मी दिलाई फोन से, मैंने दिलाया। गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, बड़ी मेहनत के बाद मेरा वीडियो शूट हो गया है, तो ना मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे ना कमेंट कर रहे हैं कि ना आप ससुराल कब जाओगे, क्यों नहीं जा रही हूँ, ये सारी चीज़ें। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बताना, वैसे पता मैं रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं मानती, क्योंकि हर किसी का सबका रिप्लाई नहीं कर पाते अपन, आप लोग कमेंट करके साइड में हो लेते हो, 2 सेकंड लगती है, बट हमारा पूरा ब्लॉग हम लोग आपके ऊपर वो वेस्ट नहीं कर सकते, बट बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ आपको कि ना कोई भी बहन या बेटी ऐसी नहीं है जो अपना ऑल टाइम अपना लाइफ टाइम पीहर में बिताती होगी, कोई भी नहीं है, और मैं बहुत लक्की हूँ कि मुझे मेरे हस्बैंड इतने दिन यहाँ रहने की परमिशन देते हैं, आई एम सो लक्की, और थैंक यू कि आप, मतलब क्या होता ना कि जब मेरा मन ऐसे होता ना कि मैं अब उमाड़ा जाऊँ, तब भी वो मुझे बोलते, अदरवाइज मुझे कभी फोर्स नहीं करते कि आप अभी के अभी आओ ससुराल ये वो, तो वो भी यही बोलते कि आप बस खुश रहो, चाहे आप 2 महीने रहो 3 महीने रहो कितने भी रह लो, बट आप खुश रहो, तो इस वजह से वो मुझे ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए यहाँ छोड़ देते हैं। और गाइस सेकंड चीज़ ये है कि आपको पता ही है कि मम्मी यहाँ पे अकेले रहते हैं, तो उसका भी रीज़न हो जाता है कि मैं यहाँ पे लंबे टाइम के लिए रह लेती हूँ, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है बट यहाँ पे रह के, आप लोग चाहे जो भी बोलो। यार ये दुर्वा कुछ उठा के लेके आ गई है वहाँ से, तो है ना ये चीज़ें हो गई है, और काफ़ी कुछ मिला है मुझे यहाँ पे 3 महीने रह के, मतलब अपन ससुराल में बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं बट वहाँ पे इतना कुछ नहीं मिलता, यहाँ आते हैं 1 महीने के लिए रहते हैं तो उसमें भी अपन कितना कुछ कर लेते हैं, तो मुझे लगता है आप सबके कमेंट्स के रिप्लाई आपको मिल गए होंगे। अब दूरवा ने सारा बिखेर दिया, ये देखो आप लोग,